हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ये मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन एक ये तो क्लियर नहीं होता ना कि वो कौन सा टॉपिक पूछ दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैंने पंचायती राज लिया है और पंचायती राज टॉपिक में मैं इस तरह से पूरा डिफाइन कर दूंगा कि अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप 100% कर पाएंगे। तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए बस इतना करना है कि अभी आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, मैं क्या बोलता हूँ आपको समझना है, और इसके बाद अगर आप इस वीडियो को 2 टाइम्स और देख लेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। और अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप श्योर 100% कर पाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ आज के इस टॉपिक के बारे में। देखिए, जो पंचायती राज है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 40 यानी आर्टिकल 40 में राज्य पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रयास करेगा, ऐसा आर्टिकल 40 में कहा गया है। तो ये भी पॉइंट बन गया, इसको याद रखिएगा। दूसरा, भारत में अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो इसकी जांच के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता थे। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पर ध्यान दीजिए कि हर एक लाइन में एक कोई ना कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है, तो आप उसको समझिए और पॉइंट बाय पॉइंट अपनी शॉर्ट नोट में नोट करिए कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, आप खुद करेंगे तो जल्दी से सीख जाएंगे। तो क्या बोला कि जांच के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता थे। तो देखिए, जो ये समिति थी उसने 1957 में सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव दिया। तो त्रिस्तरीय में कौन कौन से स्तर थे, पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये तीन स्तर याद रखिए जो कि 1957 में दिए गए। अब देखिए, सरकार ने इसको स्वीकार किया, क्या किया सरकार ने इसको स्वीकार किया और 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिए कि कहाँ पे, राजस्थान के नागौर जिले में उद्घाटन हुआ। इसके बाद देखिए, 11 अक्टूबर 1959 यानी 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य बना जहां पर पंचायती राज व्यवस्था हुई। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, दूसरी जगह पे शुरुआत हुई थी, तो अब ये भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, जब सरकार चेंज हुई तो क्या हुआ, जनता पार्टी सरकार ने 1977 में व्यवस्था परिवर्तन के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया जिसमें स्वशासन के द्विस्तरीय सुझाव पेश किया गया। तो ध्यान रखना है, जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसमें 3 स्तरीय की बात की गई थी और अशोक मेहता समिति में 2 स्तरीय सुझाव दिए गए। लेकिन देखिए, ये पेश तो किया गया लेकिन लागू ना हो सका, ये भी बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, इस समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव राजनीतिक दल के सुझाव पर होने चाहिए, ऐसा सुझाव इस समिति ने दिया था। लेकिन ये सब हुआ क्या, जनता पार्टी का पतन हो गया और वास्तव में ये सब ऐसा कुछ भी ना हो सका। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं, जो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति थी उसने क्या किया, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक सुझाव देने का निर्णय लिया। ये अच्छा पॉइंट है, इसको भी याद रखिए कि किसने संवैधानिक सुझाव देने का निर्णय दिया पंचायती राज संस्था के लिए, तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक लाइन में एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। आप इस वीडियो को 2-3 टाइम्स देखेंगे, 100% अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया ना, आप जरूर कर लेंगे। अब देखिए, इसको राजीव गांधी द्वारा यानी राजीव गांधी सरकार द्वारा 64 यानी जो 64वां संविधान संशोधन लाया गया, और लेकिन इसके पास होने से पहले ही सरकार का पतन हो गया यानी पास नहीं हो सका। अब देखिए फिर क्या हुआ, पी के थुम्मन समिति द्वारा यानी 1988 में जो थी पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया गया। ओके, अब दोबारा से दूसरी समिति आ गई। तो अब देखिए, जब ये 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके माध्यम से संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया, इसमें नए 16 आर्टिकल जोड़ गए जो कि 243 आर्टिकल में है। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप क्रिएट किए जाएंगे और आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो इसलिए तैयार रहिए। अब देखिए फिर क्या हुआ, ध्यान रखना है कि 73rd यानी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, जिसमें 29 विषयों का उल्लेख है, ये बात याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब पास हुआ तो उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो फ्रेंड्स इस तरह से बातों को याद रखना है पंचायती राज सिस्टम के बारे में। इसमें मेनली आपसे वही पूछा जाएगा कि राजस्थान के नागौर जिले में प्रथम बार या फिर दूसरी बार आंध्र प्रदेश में, और फिर कब किया गया, टाइम याद रखना है, किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया, वो बात याद रखना है, या फिर ये भी याद रखना है कि समिति के जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो उसके बारे में याद रखना है, तीन स्तर दिए वो याद रखिए, इस तरह से क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए, पंचायतों के चुनाव के लिए, क्या पंचायतों को चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग यानी आर्टिकल 243 के का गठन किया गया है। ध्यान रखिए अगर पंचायतों का चुनाव होता है तो राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है, अगर संसद और विधानमंडल के लिए चुनाव होने हैं तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है इसके लिए, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पंचायती चुनाव होते हैं वो किस पे भारित होते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग पे या केंद्रीय निर्वाचन आयोग पे, ऐसे वो क्वेश्चन क्रिएट करके पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी आप पॉइंट याद रखिए जो कि महत्वपूर्ण है। ओके अब देखिए अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि किन किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ऐसे पूछा जाए, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से थोड़ा सा जैसे मिजोरम, दिल्ली या आंध्र प्रदेश या पता नहीं कई सारे ऑप्शन क्रिएट कर देगा, तो केवल आपको ध्यान रखना है मिजोरम, दिल्ली, नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ओके कौन कौन सा, मिजोरम, दिल्ली, नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अगर आप ये याद करना चाहते हैं कि किस किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो मैंने नाम तो बता दिए, लेकिन ट्रिक की बात करें तो ध्यान रखना MDN। ओके तो जैसे मुझे दिल्ली नहीं जाना, ओके मुझे दिल्ली नहीं जाना क्योंकि वहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो एम का ये मुझे, एम मिजोरम, दिल्ली में तो है ही नहीं है, दिल्ली हो गया, और एन का ये नागालैंड हो गया, इस तरह से याद आप रख सकते हैं। ओके एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, जो मनरेगा है वो आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है, जो कि भाग यहाँ पे क्या लिखा, चौथे में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत है, इसको आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ओके इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और अच्छा पॉइंट बनता है कि 73वां यानी जो 73rd संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन यह प्रभावी कब से हुआ था, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। ओके फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए एक बहुत अच्छा पॉइंट फिर से है, 73वें संविधान संशोधन यानी 1992 द्वारा पंचायतों को तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में कहीं भी आपको मिल सकता है, तो आप इन्हें जरूर याद करिए। ओके और यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप 100% कर पाएंगे, बट आप इस वीडियो को 2-3 टाइम्स जरूर देख लीजिए, आप 100% कर पाएंगे। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज शेयर टू योर अदर फ्रेंड्स ताकि उनको भी जल्दी से इस तरह से पॉइंट मिल जाए और उन्हें याद कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।